दोस्तों कैसा गया आपका आज का पेपर? दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए आज का मैथ का पेपर को आप फोड़ के आए या नहीं फोड़ के आए, और साथ ही साथ दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइएगा आपके पास मैथ बेसिक थी या मैथ स्टैंडर्ड था, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आज का पेपर जो है आप लोग कितना ज़्यादा करके आए हैं, यानी कि आप अपने कितने नंबर जो है सोचते हैं, आप अपने नंबर को कितने एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे इतने आ जाने चाहिए, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आज के पेपर की बात करें तो आज का पेपर कैसा रहा स्टूडेंट्स के लिए, तो सबसे पहले हम बात करें तो बेसिक वाले बच्चों का जो अभी स्टार्टिंगली में जो उनका रिएक्शन निकल के सामने आ रहा है उनके पेपर को लेकर, बेसिक वाले काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कहना है कि आज का पेपर सर हमारा काफी अच्छा गया, और साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि मुझे जो है सर आज का पेपर थोड़ा सा टफ भी लगा, यानी कि कुछ बच्चों के लिए इजी है तो कुछ बच्चों के लिए हार्ड लगा। वहीं स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। इसका भी बात करें तो सेम उन लोग का भी जो है एज इट इज सेम इसी तरीके से रिएक्शन मिल रहा है, यानी कि बात करें तो काफी सारे बच्चों का कहना है कि सर मैंने पूरा पेपर जो है ऑन द टाइम कर लिया और मैं आज के पेपर देने के बाद जो है अपने मार्क्स को 35+ जो है एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो है काफी सारे बच्चों के लिए जो है आज का पेपर अच्छा भी रहा तो काफी सारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट भी रहा। तो इसी तरीके से जो है बच्चों का फर्स्ट रिएक्शन जो है अभी रिसेंटली निकल के सामने आ रही है। दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ आपके पास मैथ बेसिक था या स्टैंडर्ड नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अपने सेट को लिखना बिल्कुल न भूलिएगा ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी जो है मैथ बेसिक और मैथ स्टैंडर्ड सभी बच्चों को जो है जल्दी से जल्दी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। तो आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा आप लोग आज का पेपर कैसा गया और नीचे सेट लिख के बता दीजिएगा ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं। जय हिंद दोस्तों।